गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम निकिता शर्मा फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। सो क्लास 2KG सब्जेक्ट है मैथ्स, वर्कशीट सॉल्यूशन करेंगे 13 एंड 14, पार्ट है 7। तो देखिए वर्कशीट है जो आपकी 13 और 14, उसमें है ऑड वन आउट। आपको पता है ना ऑड वन आउट क्या होता है? ऑड वन आउट, जो सिमिलर चीजें होती है एक ग्रुप में वो तो हम रख लेते हैं, बट एक चीज जो डिफरेंट होती है उसे हम अपने ग्रुप से बाहर निकाल देते हैं। जैसे सोचिए एक क्लास में 8 गर्ल्स हैं एंड 1 बॉय है। टुडे इज प्रेजेंट 8 गर्ल्स एंड 1 बॉय, तो वो जो बॉय है वो अलग हो गया ना ग्रुप में, उसका एक अलग ही ग्रुप होता है। अब उस ग्रुप में से आज वो अकेला प्रेजेंट है, तो वो ग्रुप क्या हो गया? अकेला हो गया उसका ग्रुप, ठीक है? वो क्या हो गया? ओड वन आउट, वो उस गर्ल्स वाले ग्रुप में से अलग हो गया क्योंकि वो क्या है? बॉय है। तो यही होता है ओड वन आउट में, जैसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है वो तो होती है ग्रुप में होती है, सेम चीजें तो ग्रुप में, और एक डिफरेंट होती है वो हो जाती है और उसे हम कर देते हैं अपने ग्रुप से बाहर। जैसे देखिए हम इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपके पास रेक्टेंगल है 1 और 2 और 3, अगर बीच में इसमें सर्कल आ जाता है तो ये क्या हो गया? ये ऑड वन आउट हो गया, क्योंकि ये हमारे सारे क्या है, हमारे पास सारी जो शेप्स है वो कैसी है? रेक्टेंगल ग्रुप की है, बट एक ये सर्कल किसका है? ओवल ग्रुप का है, तो हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। तो हम इस पे सर्कल भी बना सकते हैं, तो हम इस पे सर्कल बना देते हैं कि ये जो हमारे ग्रुप से है बाहर हो गई। जैसे आपके पास ये स्माइलीज बॉल्स है, ठीक है, तो अगर इसमें ऐसा इमोजी है जो इसे सैड सा है तो हम उसको भी क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं अपने ग्रुप में से। हम उसमें क्या करेंगे? इसमें भी गोला बना देंगे और उसको भी बाहर निकाल देंगे, मतलब बाहर उसके जैसा ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि ये क्या हो गया? हमारा जो ग्रुप है उससे चेंज हो गया। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर वन है, सर्कल देयर ऑड वन आउट इन ईच ऑफ द गिवन सेट्स ऑफ पिक्चर्स। अब देखिए आपके पास पिक्चर्स दिए हैं, उसमें से आपको क्या करना है? सर्कल करना है ओड वन आउट पे, जो अलग हो, अलग डिफरेंट चीज हो उस पे आपको क्या करना है? एक सर्कल बनाना है। जैसे फर्स्ट देखिए ये बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स में आपके पास जैसे देखिए बैट्स हैं, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, अगर वही आपके पास उस सेट में आपके पास एक बॉल आ जाती है, ठीक है, एक डिफरेंट चीज तो हो ही गई ना, बॉल डिफरेंट चीज हो गई। अगर हमारे पास एक बॉल आ जाती है तो हम क्या करना है? सर्कल बनाना है, तो हम इस पे एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है। अब देखो नंबर सेकंड में देखिए
अगर हमारे पास स्माइलीज बॉल हैं, ठीक है, आपके पास स्माइलीज बॉल हैं ढेर सारे और सब स्माइल कर रहे हैं आपकी तरह क्यूट सी स्माइल, ठीक है। अगर ये स्माइल करते करते इसमें एक थोड़ा दुखी हो जाता है तो हो गया ना हमारे लिए तो चेंज। हमारा जो ग्रुप है उसमें हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, सब स्माइल कर रहे हैं, बट एक जो गया दुखी है, ठीक है, तो हो गया ओड वन आउट। तो उसके लिए हम सर्कल बना देते हैं। अब देखिए थर्ड में आपके पास लीफ है, मतलब पत्तियां, ठीक है, सारी जो लीव्स है वो सेम है बट ये एक डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं, इसके सर्कल बना देते हैं। क्यों, क्या करना है, हमें जो सेट्स दिए हुए हैं उस पे जो भी ओड वन आउट है उस पे सर्कल ही बनाना है। तो हमने क्या किया, उस पे एक सर्कल बना दिया। ओके, फिर देखिए अगर आपके पास ट्राइंगल्स हो, ठीक है, ये सारे ट्राइंगल्स हैं और सारे सेम ही हैं। अगर एक उसमें डिफरेंट हो तो हमें क्या करना है, उस पे सर्कल बना देना है। तो हो गया ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू। देखिए फिल इन द ब्लैंक, आपको कुछ फिलअप दिए हुए हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। तो वो कैसे दिए हुए हैं, तो देखिए वन प्लस टू, वन प्लस फोर, थ्री प्लस जीरो, थ्री प्लस टू, टू प्लस जीरो, टू प्लस थ्री, टू प्लस टू, फिर है थ्री प्लस वन, लास्ट है फोर प्लस वन, फोर प्लस वन। अब आपको ये जो बॉक्स है उसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वन में टू प्लस करना है। तो ये हो गया वन, ये हो गया टू, काउंट करें वन वन टू थ्री। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, थ्री, फिर वन में फोर, तो ये वन ये फोर, वन टू थ्री फोर, काउंट करें वन टू थ्री फोर और वन फाइव, हम यहाँ पे लिखेंगे फाइव। अगर थ्री में हम जीरो प्लस करते हैं तो एज इट इज वही वैल्यू आ जाती है, तो हम क्या लिखेंगे थ्री। कोई चीज आपके पास तीन चॉकलेट्स है, अगर किसी को भी नहीं दी तो आपके पास वो ही रह जाएंगी, अगर दी तो दी होती तो कम होती, पर किसी को दी नहीं तो एज इट इज रहेंगी। थ्री प्लस टू, तो ये थ्री और ये टू, वन टू थ्री फोर फाइव, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाइव। फिर है टू प्लस जीरो, टू में अगर जीरो प्लस करेंगे तो एज इट इज आएगा, क्या आएगा टू, फिर टू प्लस थ्री, तो ये टू और ये थ्री। तो देखिए वन टू थ्री फोर फाइव, तो आपको क्या लिखना है फाइव। फिर टू में टू प्लस करना है, टू और टू, तो
वन टू थ्री फोर, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फोर, थ्री में वन प्लस करना है, तो देखिए थ्री और वन, वन टू थ्री और प्लस वन तो फोर, फिर फोर में वन तो फोर और वन, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है एड, आपको एड करने हैं, एड द फॉलोइंग। देखिए नंबर वन है थ्री प्लस वन, नंबर टू है टू प्लस टू, नंबर थ्री है फोर प्लस वन, नंबर फोर है नंबर फोर है वन में टू प्लस करना है, नंबर फाइव है वन में थ्री प्लस करना है, नंबर सिक्स में वन में वन प्लस करना है, नंबर सेवन थ्री में जीरो प्लस करना है, नंबर एट है टू में आपको वन प्लस करना है, नंबर नाइन थ्री में आपको वन प्लस करना है, नंबर टेन थ्री में आपको टू प्लस करना है, नंबर इलेवन वन में आपको फोर प्लस करना है, नंबर ट्वेल्व जीरो में आपको वन प्लस करना है। ओके, तो देखिए थ्री में वन, ये थ्री और ये वन, वन टू थ्री फोर, क्या लिखेंगे यहाँ पे, फोर, टू में टू तो टू और टू, वन टू थ्री फोर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोर, फोर में वन प्लस करना है तो ये फोर और ये वन, वन टू थ्री फोर फाइव, ये हो गया फाइव, वन में टू तो वन और टू तो वन टू थ्री, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, थ्री, वन में थ्री प्लस करना है तो ये वन और ये थ्री, तो वन टू थ्री फोर, तो यहाँ पे क्या लिखना है, फोर, थ्री में जीरो प्लस करना है तो थ्री, टू में वन प्लस करना है तो टू और ये वन, तो वन टू और थ्री, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, थ्री, थ्री में वन, थ्री और वन, तो वन टू थ्री और वन फोर, फिर थ्री में टू प्लस करना है तो थ्री और ये टू, वन टू थ्री फोर फाइव, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, फाइव, फिर जीरो में अगर वन प्लस करना है तो वन। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट हो चुका है। हाँ, ये रह गए ना टू, वन में वन प्लस किया तो टू, वन में फोर प्लस किया तो वन और फोर, वन टू थ्री फोर और वन फाइव, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर एडिशन। अब देखिए इसमें आपको लिखते हैं, सबसे पहले फोर टू प्लस जीरो, फिर है टू प्लस वन, टू प्लस टू, टू प्लस थ्री, टू प्लस फोर, टू प्लस फाइव, टू प्लस सिक्स, टू प्लस सेवन, टू प्लस एट, टू प्लस नाइन, नाइन प्लस टू, एट प्लस टू, सेवन प्लस टू, सिक्स प्लस टू, फाइव प्लस टू, फोर प्लस टू, थ्री प्लस टू, टू प्लस टू, वन प्लस टू, जीरो प्लस टू। अब
ये देखिए हमारे पास जो भी है, अब हमें इनके आंसर लिखने हैं यहाँ पे। तो 2 में 0 प्लस किया तो क्या आएगा, 2। 2 में 1 प्लस किया तो ये 2 और 1, तो 1 2 3, तो हम लिखेंगे 3। 2 में 2, 1 2 1 2, तो 1 2 3 4, तो हम क्या लिखेंगे, 4। 2 में 3, तो 1 2 1 2 3, तो देखिए 1 2 3 4 5, तो क्या लिखेंगे, 5। फिर 2 में 4 प्लस करना है तो 1 2 1 2 3 4, अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6। 2 में क्या प्लस करना है, 5, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 7। तो 2 में क्या प्लस करना है, 6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 8। 2 में क्या प्लस करना है, 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप क्या लिखोगे, 9। 2 में क्या प्लस करना है, 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए, 10। अब क्या प्लस करना है, 2 में 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या लिखोगे, 11। अब देखिए इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, 9 में फिर 8 में, ऐसे आपको क्या करना है, 2 प्लस करते जाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या प्लस करना है, 2। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो क्या लिखोगे, 11। फिर 8 में, तो हम एक लाइन यहाँ से कम करते जाएंगे, तो हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 7 उससे कम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर क्या है, क्या प्लस करना है, 6 में 2 प्लस करना है, 1 2 3 4 5 6, ये लो कम कर दिया, 7 8, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8। 5 में 2, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7। 4 में 2, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 6। फिर 3 में 2, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5। 2 में 2, तो 1 2 3 4, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4। 1 में 2, तो 1 2 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3। और 0 में 2 प्लस करेंगे तो 2। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।